देखिए मैंने पहले कहा था, करण जौहर बिना पेनी का लौटा है। जहाँ प्रॉफिट दिखता है वहीं लुढ़क जाता है, और जहाँ प्रॉफिट ना दिखे वहाँ कंट्रोवर्सी कर लेता है। और फिर से भिड़ गए महेश बाबू के साथ, तो आखिर क्या है माजरा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए बॉलीवुड कब समझ में आ गई है, भैया कोई भी साउथ की फिल्म बनी कर दो थोड़ी सी मदद हिंदी में डब करने की, और ले लो वहाँ पर पूरा क्रेडिट। और ठीक ऐसा कि उन्होंने बाहुबली और बाहुबली 2 के टाइम पर धर्मा प्रोडक्शन ने हिंदी में कराया डब और ले गई पूरा क्रेडिट। भैया हमने इस मूवी को पैन इंडिया कराया, हमने हिट कराई इस मूवी को, लेकिन इस बार ये नहीं चलेगी क्योंकि महेश बाबू पहले से लोगों पर काफी नाराज है। देखिए कुछ दिन पहले इस बात पर कंट्रोवर्सी हो रही थी कि महेश बाबू ने बोला था करण जौहर को, आपने नहीं हिट कराई है बाहुबली को बनाने वाले काम करने वाले ने हिट कराई है बाहुबली को, और ये क्रेडिट आपको नहीं जाता है। और देखिए आपको पता है महेश बाबू की नई मूवी सरकार वारी पट्टा का ट्रेलर आ चुका है, लेकिन अभी तक हिंदी ट्रेलर नहीं आया। मगर मूवी बिल्कुल वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है 12 मई को, जिसमें हिंदी में आएगी, तमिल में आएगी, कन्नड़ में आएगी और कुछ और लैंग्वेज में भी आने वाली है। लेकिन हिंदी को लेकर अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आया, जस्ट बिकॉज महेश बाबू ने मना कर दिया। भाई धर्मा प्रोडक्शंस अपना काम नहीं करवाना चाहते, तो शायद आपको इसका हिंदी डबिंग गोल्डमाइंस देखने को मिल सकती है। और अभी हिंदी रिलीज को देखकर थोड़ा सा डाउट है, पर महेश बाबू का कहना है फैंस बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपको जल्द से जल्द हिंदी ट्रेलर मिल जाएगी, काम उस पर जारी है। लेकिन करण जौहर भैया को मार दी गई है ला, और इस बात पर करण जौहर बौखला गए, भैया हमसे तुम नहीं करवाए तो तुम्हारी मूवी पक्का फ्लॉप करेगी, कुछ आलतू फालतू स्टेटमेंट दिए जा रहे। भाई को इनको समझाओ यार, तुमने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया केजीएफ 2 को, आरआर को, वो कब का 1000 करोड़ पार कर गए। और हाँ साथ में एक और छोटी सी अपडेट दे देता हूँ, विजय देवगंडा का फिल्म लाइगर आ रही है, वहाँ पर करण जौहरी अपने अंडर सारे चीज करवा रहे, यानी कि धर्मा प्रोडक्शन फिल्म बना रही है। बट गुड न्यूज ये है कि विजय देवगंडा ने बोल दिया, आई थिंक मेरी ये आखिरी मूवी हो सकती है धर्मा प्रोडक्शन के साथ। भाई एक जमाना था जब धर्मा प्रोडक्शन किसी एक्टर को बॉयकॉट करता था, जैसे अपने सुशांत सर को कर दिया था, जा भाई हम तेरे को काम नहीं देंगे, कार्तिक आर्यन को भी बोल दिया हम तेरे साथ काम नहीं करेंगे। पर अब टाइम पलट चुका है, अब साउथ इंडियन एक्टर बोल रहे हम तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते, यानी कि अपना देश बदल रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि धर्मा प्रोडक्शन के साथ साउथ वाले को काम करना चाहिए या फिर खुद फिल्म बनाने से लेकर फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करने तक सब कुछ खुद ही करना चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।